तमाम तारीफ उस परवरदिगार के लिए जिसके कब्जे कुदरत में मेरी जान है, पूरी कायनात है। मैं अपनी बातों को मौला के उस कॉल से शुरू कर रहा हूँ जिसके लिए मौलाए कायनात हजरत अली बिन अबी तालिब अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि ऐ दुनिया वालों, ये मत देखना कि जो कह रहा है वो छोटा है या बड़ा है, उसकी हैसियत क्या है, वो अमीर है या गरीब है, बल्कि मौलाए कायनात ने फरमाया कि ये देखो कि वो कह क्या रहा है। देखिए, आज 1400 साल से हमारे ऊपर एक इल्ज़ाम लगता हुआ आ रहा है जिसमें कहा जा रहा है कि शिया शिर्क करते हैं, ये हराम काम करते हैं। मसलन ये जो फतवा जारी हो रही है कि ये मातम करना हराम है, मजलिस करना हराम है, ताज़िया रखना हराम है, तो देखिए मैं उन लोगों को बता दूं कि ना तो ताज़िया रखना हराम है और ना ही शबी बनाना हराम है। देखिए, ये हमारे ऊपर एक इल्ज़ाम है कि ये हराम काम करते हैं। हम आपको आज बताते हैं कि कुरान में गिरिया आया है या नहीं आया है। जो लोग कहते हैं कि मातम करना हराम है, तो उनसे मेरा सवाल है कि अगर किसी के घर कोई मर जाता है, मसलन मैं अपने ऊपर मिसाल दे रहा हूँ कि अगर मेरा बाप मर गया तो उस वक्त का मेरे ऊपर जो उस वक्त जो मेरा हालात होंगे वो क्या होगा। उस वक्त हम अपने सरों सीनाओं को पीटेंगे, हाय मेरा बाबा मर गया, हाय मेरा बाबा मर गया। देखिए, मातम कहते उसे हैं किसी के गम में शरीक होना, यानी किसी के गम में गमगीन हो जाना, इसको कहते हैं मातम। यानी अगर मेरा बाप मर गया तो मैं अपने सरों सीनों को पीटूंगा, मेरा बाप मर गया। तो जब किसी के घर पे कोई मर जाता है तो उस वक्त उसके घर वाले हंसते नहीं हैं, बल्कि गमगीन होते हैं, मातम करते हैं, गिरिया करते, अपने सरों सीनों को पीटते हैं। तो जो लोग कहते हैं कि मातम करना हराम है, तो मुझे लगता है कि ऐसे लोगों ने कभी स्टडी नहीं की होगी, क्योंकि अगर इन्होंने स्टडी की होती तो तारीख उठाकर देखो कि जब जनाबे आदम जनाबे हव्वा से बिछड़ गए तो जनाबे आदम जनाबे हव्वा के लिए मुस्तकिल मुनाजात करते रहे, दुआ करते रहे, गिरिया करते रहे। आदम मुस्तकिल मुनाजात करते रहे, क्या ये अल्लाह के नबी हैं? क्या इनको नहीं मालूम था कि रोना हराम है या गिरिया करना हराम है? क्या नबी को नहीं मालूम है? बल्कि नबी कहते ही उसे हैं जो मासूम होता है, जिससे कोई खता नहीं हो सकती है, उसे कहते हैं नबी। और अल्लाह का नबी मुस्तकिल मुनाजात कर रहा है, दुआ कर रहा है। तुम कहते हो मातम करना हराम है, तो आओ कुरान में चलते हैं, सूरह यूसुफ में। जनाबे यूसुफ जब अपने बाप याकूब से बिछड़ गए तो जनाबे याकूब अपने बेटे यूसुफ के लिए गिरिया कर रहे हैं, मातम कर रहे हैं। जनाबे याकूब तारीख लिखती है कि जनाबे याकूब इतना ज्यादा गिरिया किया, इतना ज्यादा रोए कि उनकी आंखों से बीनाई चली गई। और जनाबे याकूब अल्लाह के नबी हैं, और उनका बेटा जो उनसे जुदा हुआ है वो भी मासूम है, वो भी नबी है। क्या जनाबे याकूब को नहीं मालूम था कि मेरा बेटा यूसुफ जिंदा है? क्या नबी को नहीं मालूम था कि रोना बिदअत है या जायज है? क्या नबी को नहीं मालूम था? ये अल्लाह के नबी हैं, और जनाबी याकूब को पता भी है कि मेरा बेटा जिंदा है, उसके बाद भी जनाबी याकूब गिरिया कर रहे हैं, इतना ज्यादा गिरिया कर रहे हैं कि उनकी आंखों से बीनाई चली गई। तुम कहते हो शबी बनाना बिदअत है, तो अब हम तुम्हें बताते हैं कि शबी बनाना बिदअत है या सुन्नत रसूल है। तुम्हारे उलमाओं ने अपनी किताबों में लिखा है कि शब हिजरत कि जब कुफार के लोगों ने रसूल खुदा को घेर लिया था तो उस वक्त अल्लाह की तरफ से जिब्रेल आए और आने के बाद एक पैगाम दिया कि ए अल्लाह के नबी, आज अपने बिस्तर पर अली को लिटा दो ताकि तुम्हारी जान बच जाए। और जनाबे रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किया? अपने बिस्तर पर जनाबे मौलाए कायनात अमीर अल मोमिनीन हजरत अली इब्ने अबी तालिब अलैहि सलाम को अपने बिस्तर पर लिटाया, और लिटाने के बाद ऊपर से चादर को ढका। ये किताबों में रवायतें मौजूद हैं कि जनाबे रसूल खुदा ने चादर को खुद ढका, और ढकने के बाद कम से कम 4 कदम 5 कदम पीछे गए, और जाने के बाद रसूल खुदा मौलाए कायनात की तरफ देख रहे हैं,
और एक जुमला कह रहे हैं कि आज अली बिल्कुल मोहम्मद की तरह लग रहा है। क्या रसूल खुदा शबी नहीं बना रहे हैं? क्या रसूल खुदा को नहीं मालूम है जो नबियों का वारिस है, जो नबियों का सरदार है, वो शबी बना रहा है? क्या रसूल खुदा को नहीं मालूम था कि शबी बनाना बिदअत है या जायज है? बल्कि रसूल खुदा ने शबी बनाकर उम्मतियों को बता दिया कि शबी बनाना बिदअत नहीं है, बल्कि शबी बनाना सुन्नत रसूल है। और जनाबे याकूब ने गिरिया करके उम्मत को बता दिया कि गिरिया करना हराम नहीं है बल्कि जायज है। और हम हमेशा जायज काम करते हैं। अगर हम